इंडस्ट्री दिखा दीजिए जिसमें हमको सरकार जॉब दे दे। केंद्र सरकार के द्वारा बुधवार को सेना भर्ती की नई स्कीम लाई गई। स्कीम का नाम रखा गया अग्निपथ और इस अग्निपथ के तहत 4 साल तक युवाओं को सेना में नौकरी दी जाएगी। हालांकि अग्निपथ स्कीम के फायदे केंद्र सरकार लोगों के बीच में बताने का कार्य लगातार कर रही है, लेकिन देश भर के ज्यादातर इलाकों में सेना भर्ती के अभ्यर्थी इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं जहानाबाद में भी सेना भर्ती के सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने गुरुवार की सुबह जमकर प्रदर्शन किया। पहले तो उन्होंने NH-83 काको मोड़ पर सड़क पर आगजनी कर सड़क मार्ग को बाधित कर जाम कर दिया। इसके बाद सेना भर्ती के अभ्यर्थियों ने जहानाबाद स्टेशन पर पटना गया पैसेंजर ट्रेन को भी रोक कर केंद्र सरकार के खिलाफ में नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। वहीं प्रदर्शन कर रहे सेना भर्ती के अभ्यर्थी ने बताया, एक तो केंद्र सरकार नौकरियां कम दे रही है और ऊपर से इस तरह के स्कीम लाकर हम छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसके आगे उन्होंने बताया कि आगे 4 साल तक हम लोग सेना में अपनी सेवा देंगे, तो उसके बाद जब नौकरी पूरी करने के बाद घर लौटेंगे तो क्या ऑप्शन रहेगा और किस तरह से अपने परिवार को हम लोग चला सकेंगे। इसलिए केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और हम सभी अभ्यर्थियों के हित में सोचना चाहिए। प्रदर्शन कर रहे हैं हम लोग, प्रदर्शन आर्मी को लेकर कर रहे हैं, जिसमें पहला जो गलत लगाया गया है कि TOD 4 साल के लिए लागू कर दिया गया है। नेता जब 5 साल चुनाव लड़ के रह सकता है तो हम लोग सेना में 4 साल क्यों, जो जान निछावर करते हैं देश के लिए, देश के लिए जान निछावर करते हैं हम लोग 4 साल बाद क्या करेंगे। जहानाबाद में मेरा घर है, अगर आ जाएंगे 4 साल बाद तो इसमें कहां बिहार में कदम इंडस्ट्री दिखा दीजिए जिसमें हमको सरकार जॉब दे देगा। क्या मांग कर रहे हैं आप? मांग यही है कि TOD वापस लिया जाए, सेना में जो भी नियम लागू हुआ है वो गलत है, TOD वापस लिया जाए, आर्मी रैली शुरू किया जाए, आर्मी एग्जाम चालू किया जाए, सब जो पहले नियम था वो नियम वापस किया जाए और पहले वाला नियम लागू किया जाए। सरकार अगर कानून बदलाव नहीं करती है तो क्या कीजिएगा आप लोग? चलता रहेगा बोल। हम लोग यही कहना चाहते हैं, जो भी आर्मी से रिटायर हुए हैं आप लोग 100% जो रिटायर हुए हैं उनसे राय ले लीजिए, अगर वो कह देंगे कि TOD सही है तो हम लोग एकदम खुशी से मान लेंगे कि TOD सही है। जो आर्मी से रिटायर है, जो आर्मी से रिटायर है वो कह देंगे तो हम लोग मान लेंगे। अभी देखिए ये विरोध कर रहे हैं आर्मी TOD के लिए, विरोध कर रहे हैं TOD के लिए कर, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। ये सरकार है, सरकार अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।